तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरतवाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम की असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं
ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार येत्रा युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि जी ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वो अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंड कवन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इन बातों को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेदों को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वो मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वो तो विशेष रूप से मुख के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वो मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं।
उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वो भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वो ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिवजी के वचन भी छूटे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। वो बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि जी ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं।